हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ सगुना और आप सभी का स्वागत है न्यूट्रेला फूड तक में, जहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेम्पटिंग डिलिशियस सिज़लर। जी हाँ, हमारी आज की रेसिपी का नाम है सोया मशरूम सिज़लर और इसको बनाना बहुत आसान है। बस कुछ ही चीज़ों के साथ ये झटपट बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एक पैन के अंदर गर्म करना है ढेर सारा मक्खन और अभी हमें वेट करना होगा इसके अच्छे से मेल्ट होने का। तो ये मक्खन यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा लहसुन और लहसुन की क्वांटिटी भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखी है, तो आप भी मेक श्योर करें कि लहसुन और मक्खन दोनों ही डालने में कंजूसी ना करें। इसे हम सॉटे कर लेंगे इसके अंदर। अभी से इतनी अच्छी मुझे इसकी महक आ रही है, सो आई एम प्रिटी श्योर कि रेसिपी मेरी बहुत अच्छी बनेगी। इसके अंदर ये सॉटे हो जाए उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बारीक कटा प्याज और अब लहसुन और प्याज को बटर में अच्छे से हमें भूनना है। तो ये प्याज यहाँ पे सॉटे हो गया है और प्याज को हमें यहाँ पे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सॉटे ये हो जाए उसके बाद ही इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं मशरूम्स। मशरूम्स को मैंने पूरा इस तरीके से ही इस्तेमाल किया है, इसको मैंने चॉप या कट बिल्कुल भी नहीं किया। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर न्यूट्रेला प्री कुक्ड सोया मिनी चंक्स, जो कि प्रोटीन कंटेंट में काफ़ी रिच पाए जाते हैं। अगर आप इनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपको मिलता है प्रोटीन कंटेंट पूरे 52%। और अब इसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे कुछ सीजनिंग। मेरे पास है यहाँ पर मिक्स्ड हर्ब्स, इनको हम डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक और मैंने यहाँ पे चॉप करके रखी हुई हैं बीन्स, वो बीन्स भी जाएंगी इसके अंदर। और ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी हमारी वेजिटेबल्स जब वो सॉटे हो जाएंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और हम फ्लेम को ऑफ करें उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और है मेरे पास यहाँ पर पार्सले। ओके एंड नाउ इट लुक्स जस्ट यमी एंड टेम्प्टिंग। बस एक सेकंड का सॉटे, फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेटर के अंदर। तो सोया मशरूम सिज़लर, बताइए मुझे कितना मुश्किल था बनाना, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान। तो लीजिए बनके तैयार है सोया मशरूम सिज़लर, एक बहुत ही परफेक्ट स्टार्टर है आपकी पार्टी के लिए, शाम के स्नैक्स के लिए, मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए। हमें बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। न्यूट्रेला फूड तक को ऐसी हेल्दी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए।